नमस्कार, आप देख रहे हैं किताबों की बातें। वैसे तो अक्सर हम एक किताब लेकर के आपके सामने आते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में दो किताबों की चर्चा कर रहे हैं। जो पहली किताब है वो एक कहानी संग्रह है, उसमें 9 कहानियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक दूसरी किताब जिसकी चर्चा हम करेंगे वो एक उपन्यास है, दिल्ली के ऊपर लिखी गई एक खूबसूरत उपन्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली किताब है अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। इस किताब में कुल 9 कहानियां हैं। कहानियां वैसी जो कई बार हमारे आसपास की होती हैं और हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं महसूस कर पाते जैसे एक लेखक महसूस करता है। कहानियां वो जो कि आपके साथ कई बार सफ़र करती हैं, चाहे आप मेट्रो में जा रहे हों, चाहे आप बस में जा रहे हों, रेल और लोकल ट्रेन कहीं भी जा रहे हों, तो इन कहानियों का जिक्र, इन कहानियों के बारे में ये किताब है। और कहानियाँ बेहद खूबसूरत हैं। इनको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आप अपने किसी दोस्त यार से बैठे हैं और उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आखिरी कहानी का नाम है विस्तृत रिश्तों की संक्षिप्त कहानियाँ। इस शीर्षक से 5 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप, दिलचस्प कहानी है। और इसके बारे में सबसे ऊपर जो एक नोट लिखा गया है वो बहुत खूबसूरत है। वो ये कहता है कि आप चाहें तो इस कहानी को अलग अलग पढ़ सकते हैं, अलग अलग कहानी मान करके पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो इन सारी कहानियों को एक कहानी का हिस्सा मान करके पढ़ सकते हैं। इससे कहानियों को कोई फर्क नहीं पड़े। ये जो 5 छोटी छोटी कहानियाँ हैं उसमें से एक छोटी कहानी, पहली कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सुबह की मासूम धूप के एक टुकड़े के नीचे बालकनी में 2 छोटे कबूतर पता नहीं कहां से आ बैठे थे। उस अल्हड़ लड़की ने यह बात बड़ी खुशी से साथ के लड़के को बताई। लड़के ने छेड़खानी की और कहा, फर्ज करो उसमें से एक तुम हो और एक मैं हूं। वह बेलाग हंस पड़ी और उसने पूछा, कौन तुम हो और कौन मैं हूं। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात, जो सबसे ज्यादा गुटर गूं करे वो तुम और जो खूब शरारते करे वो मैं। लड़की ने शर्माकर कहा, शातिर लड़के, अब कुछ और न कहना। कुछ रोज बाद एक मनहूस सुबह उनमें से एक नहीं रहा, मतलब एक कबूतर नहीं रहा। वो ठंडे फर्श पर बेजान पड़ा था, दूसरा चुप था। लड़की का दिल धड़क उठा। उस धड़के के तले बहुत सारी फिक्र और उदासी थी। उसने बहुत बार अपने ईश्वर को याद किया। उसे डर था कि वह शरारतों वाला कबूतर न हो। तो अब बात करते हैं आज की दूसरी किताब की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी दूसरी किताब एक उपन्यास है। किताब का नाम है हम आवाज़ दिल्लियाँ। किताब का केंद्र दिल्ली है और दिल्ली के कई प्राचीन स्मारक कई बार एक पड़ाव लगते हैं तो कई बार लगता है कि वही मंजिल है। इस किताब में लेखिका ने इतिहास और कल्पना को ऐसे गढ़मढ़ किया है कि इसे आप एक गल्प गाथा के तौर पे देखते हैं और पढ़ते हुए रम जाते हैं, आपको मजा आता है। ये कहीं से भी एक ऐसी बोझिल इतिहास की किताब नहीं लगती जिसमें सिर्फ और सिर्फ तथ्य दिए गए हैं, घटनाओं का जिक्र किया गया है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र है, केंद्र में दिल्ली है। आप समझ ही सकते हैं कितनी खास और कितनी व्यापक चर्चा होगी, लेकिन चर्चा रोचक तरीके से है। और ये किताब लगभग 100 वर्षों की दूरी तय करती है। दोनों किताबें हिंद युग्म प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। दोनों किताबों के मूल्य और किताबों का कवर आपके स्क्रीन पे है। तो किताबों की बातें के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और किताब के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।